धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर विपक्ष ने चर्चा मांगी और पहली बीएसई की मीटिंग में हमने सत्ता पक्ष से रहते हुए तय किया कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष चर्चा करना चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं। पहले दिन यह तय हो गया कि सबसे पहले राफेल के विषय पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 20 दिन से ज्यादा समय तैयारी के लिए लग गया चर्चा करवाने के लिए, अपने नेता को खड़ा करने के लिए, और जब खड़ा भी किया तो एक कंफ्यूज और करप्ट नेता को खड़ा कर दिया। चर्चा करने के लिए भी कोई ईमानदार नहीं मिला, एक ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को जो करप्ट भी है और बेल पर बाहर भी है, उनको खड़ा किया गया जो देश में अपना टैक्स आज तक अदा नहीं कर पाए, जो कंफ्यूजन इतनी है कि थोड़ा लेट समझ उठते हैं। अध्यक्ष जी कंफ्यूजन इतनी थी, अध्यक्ष जी कंफ्यूजन इतनी है कि वो इस हद तक गिर गए कि जिनका परिवार और पार्टी इस देश के पत्रकारों को इमरजेंसी के समय लगाम लगा देते हैं कि वो स्वतंत्र लेख नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, वो रूप इनमें देखने को नजर आया। जब वो समिता प्रकाश जी, अध्यक्ष जी, एएनआई की एक वरिष्ठ एडिटर समिता प्रकाश जी, एक महिला पत्रकार, उनके बारे में इस तरह की बात कही गई जिन्होंने 1.5 घंटे तक महाराज आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, साथ में बैठकर भी आपको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और मैं समझ सकता हूँ दर्द कितना हुआ होगा, बहुत हुआ। और यही नहीं, प्लीज अध्यक्ष जी, वो एएनआई की एक सीनियर एडिटर है, महिला पत्रकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 1.5 घंटे के भाषण में देश और दुनिया से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उस कंफ्यूज्ड नेता को इतना दर्द हुआ कि उन्होंने शायद एक महिला का इंटरव्यू पहले नहीं देखा जिससे इंटरव्यू में पूछा गया आपकी अपनी सास के साथ संबंध कैसे थे, खाने में क्या खाती थी, किस तरह से दिनचर्या होती थी, जिनसे सवाल पूछे जाते थे, अरे भैया समोसा कैसा लगा, समोसा अच्छा था, शायद वो ऐसे इंटरव्यूज को भूल गए। क्या वो चाहते थे कि स्मिता प्रकाश जी भी, वो महिला पत्रकार, उन बाकी पत्रकारों की तरह उनकी इच्छा होगी जिन्होंने सवाल पूछे होंगे पहले के लोगों ने कि आपको कौन सी साड़ी पहननी पसंद है या आपके अपनी सास के साथ क्या संबंध थे। लेकिन अध्यक्ष जी, क्या ये चाहते हैं कि वो मोदी जी से ये पूछते कि वो मोदी जी से पूछते कि मोदी जी आपके अपनी माता जी से संबंध कैसे हैं, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे। उन्होंने सारे सवाल पूछे जो देश हित में थे और जो देश से संबंध रखते थे, और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को, उस 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने सब विषयों का उत्तर दिया और भारत सही दिशा में चल रहे इस बात को भी कहा। अध्यक्ष जी कंफ्यूजन उस नेता की इतनी थी कि 20 मिनट बोले
और 20 मिनट में 20 झूठ बोलकर चले गए, झूठ बोलकर चले गए। और शाम को एक पत्रकार वार्ता करती और पत्रकार वार्ता में वही किया जो वर्षों से ये करते चले आ रहे हैं, 1-2 का 4 वहां पे भी कर दिया, 1-2 का 4 कर दिया। तीसरा सवाल पूछना भूल गए अध्यक्ष जी, ये 1-2 का 4 करते आए, जेटली जी ये कहकर गए थे, मिस्टर क्यू की बात करके गए थे, क्यू से वी तक बहुत अंतर है, अभी बीच में आर और एस भी आता है। और आज राफेल पर कौन पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, कौन परिवार प्रश्न खड़ा करता है, जिनके अतीत, अरे खड़गे जी आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, अध्यक्ष जी आई एम नॉट डीलिंग, अध्यक्ष जी ऐसा है कि जो पार्टी जिसका इतिहास आजादी के बाद वो उत्तर जो दिन पहला जो खरीद हुई, पहली खरीद जो हुई अध्यक्ष जी, उस समय के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, आप पूरा बोल, वो ऐसी जीपे खरीदने का लिया, आप लीडर हो, वो भी इंग्लैंड से जो जीपे मंगाई गई, अध्यक्ष जी उसमें जीपे कितनी मंगवाई, 3,000 जीपों का ऑर्डर इंग्लैंड को दिया गया। और वो पहला घोटाला था जो इनकी पार्टी के समय, इनकी सरकार के समय, आजादी के बाद इनके लिए देश की रक्षा सुरक्षा जरूरी नहीं थी, रक्षा सौदों से पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो, इस पार्टी ने करने की तैयारी की थी। देर वॉज नो, अध्यक्ष जी देर वॉज नो डिफेंस डील ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम, कोई डिफेंस डील बगैर डील के पूरी नहीं होती थी अध्यक्ष जी, इनके समय कोई डिफेंस डील के बिना डिसाइड नहीं होती थी, इनके समय दलाल तय करते थे, इनके हित में सौदा करवाते थे, आज राष्ट्र हित में सौदा होता है तो मोदी सरकार राष्ट्र हित में सौदा करवाती है। अरे भैया बैठिए, अरे भैया आइए वापस, अरे भैया कहाँ चले, अभी शुरू हुआ है। अध्यक्ष जी मैं हर बार बोलता हूँ, वो हर बार उठ के चले जाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं देश को तो बताऊंगा। अध्यक्ष जी ये केवल जीप स्कैम तक रुका होता तब भी मैं समझ जाता कि ये कोई भी रक्षा सौदा, कोई भी डिफेंस डील बगैर डील के इनके लिए पूरी नहीं होती थी, डील में भी इनके इनके हित का क्या आता था ये देखते थे, पॉलिटिकल फंडिंग होती थी। अध्यक्ष जी जीप पे नहीं रुका, उसके बाद घोटालों की एक लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है कि चाहे बोफोर्स सौदे की बात करो, और ये इतिहास इनका जानना इसलिए जरूरी है कि बोफोर्स लो, सबमरीन लो, ऑगस्टा वेस्टलैंड लो, बैठिए सिंधिया जी, इतनी तो हिम्मत सिंधिया जी, बैठिए, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट फेयर, अध्यक्ष जी हम कुछ नहीं भूले, बैठिए, मैंने उनको भी बिठाया था, आप भी बैठिए, अध्यक्ष जी गोइंग ऑन रिकॉर्ड, अध्यक्ष जी आप खराब करते हो, आप अध्यक्ष जी कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जा रहे हैं, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं करते, खड़गे जी मैंने इनको भी डांटा था, कहा था कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
अध्यक्ष जी, और आप ही ऐसा करें, अभी डिफेंस मिनिस्टर का जवाब आना है, अभी आने का जवाब, ऐसा नहीं, हर एक का अधिकार है, मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ गलत कहे तो भाई, आपको नहीं, अध्यक्ष जी, ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस, मगर ये अच्छा भी नहीं है, अध्यक्ष जी, इनको बोलने नहीं, सबको बोलने दो अपने तरीके से, बोलिए, अध्यक्ष जी, आखिरकार ये रक्षा सौदे की बात हो रही है, अच्छा नहीं है तरीका, और मेरा आप अब तक का भाषण निकाल के देखिए, मैंने रक्षा सौदे पर ही बात की है कि देश के इतिहास में रक्षा सौदों की शुरुआत ऐसे हुई कि जीप घोटाले से इनकी पहली सरकार के समय वो शुरुआत हुई कि कैसे देश को पीछे रखकर अपने परिवार और पार्टी का हित इन्होंने पहले रखा, और देश को जब चीन के साथ युद्ध हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आप इसको नकार नहीं सकते। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, यही नहीं इसके आगे भी देखिए, चाहे सबमरीन घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, चाहे 2G हो, कोल हो, बाकी स्कैम हो, ये सब आपके पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए, इसलिए आपको दर्द होती है, और हमें दर्द इसलिए होती है कि जिन लोगों का नाम अगस्ता वेस्टलैंड में आया, आज वो यहाँ खड़े होकर प्रश्न करते हैं, तो देश के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या होगी मैडम, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। और यही नहीं, जिनका नाम नेशनल हेरल्ड में पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचकर करोड़ों डकार जाएं और टैक्स भी ना भर पाए, जिन्होंने देश का करोड़ रुपए टैक्स देना है, अगर आपने करोड़ रुपए टैक्स दे दिया होता तब आपके पास दम होता कि आप खड़े होकर सवाल करते, आपको पहले देश का पैसा देना उसके बाद सवाल खड़ा कीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं मैडम, ये तब सवाल इनको खड़ा करना चाहिए, और ये इसलिए मैं यहां कहता हूं मैडम, ये कहे इनके हाथ काम गए, अध्यक्ष जी मैं इनके समय नहीं बोला, अध्यक्ष जी मेरा भी बहुत समय बचा है, मुझे भी बहुत नहीं, अध्यक्ष जी मुझे बहुत विषयों पर बोलना है, अध्यक्ष जी एक बात बड़ी सीधी है, इसलिए ये दर्द नजर आता है इनका देखने में, अगर इन्होंने देश का टैक्स भर दिया होता ये घोटाले नहीं किए होते, और इनकम टैक्स असेसमेंट में जो वापस बाहर आया, और ये केवल टैक्स चोरी नहीं, ये फोर्जरी का मामला भी है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस करप्शन की कबड्डी बंद करे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मैडम, अगर 2012 में रफेल एल वन था, तो अगर रफेल एल वन था तो 2012 में आपके हाथ क्यों कांप गए, आपके हाथ क्यों कांपे, आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं आपने हस्ताक्षर किए। आज आपको 126 विमान दिखते हैं, आप 10 वर्ष में एक विमान नहीं खरीद पाए, हमारी सरकार ने 36 विमान खरीदने की शुरुआत की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है तो वो सेना सत्य और सरकार की जीत हुई है, और आपके मुंह पर तमाचा है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार में कहा कि वी हैव लुक्ड इनटू द प्राइसिंग प्रोसीजर ऑफसेट क्लॉज। और यही नहीं मैडम, उन्होंने कहा आफ्टर लुकिंग एट ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स देर इज नो कमर्शियल फेवरेटिज्म। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेना को भी मजबूत किया और देश के हित में निर्णय लिया है। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके लिए तो मैं ये कहूंगा अध्यक्ष जी, इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, झूठ उतना ही बोलो कि जनता के सामने थोड़ी इज्जत बचे, जनता के सामने थोड़ी इज्जत बचे। और अध्यक्ष जी, और ये जो इनके नेता ने पहले बयान दिया उनके बारे में तो मैं ये कहूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष के बारे, कि
ये दो लाइनें हकीकत बयां करती है। अध्यक्ष जी थोड़ा जिम्मेदारी से, कुछ लोग 15 वर्ष सदन में रहकर भी नियम नहीं जाने तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप अपनी बात करो। और मैं तो फिर भी दूसरे दल से हूँ। आप अपनी इपने बात तो इनकी करो। अपनी सरकार थी और जब वो बोफोर्स पर जांच नरसिम्हा राव जी करवाते थे और सीबीआई जब दस्तक देती थी तो कितना हड़कंप उस समय मचता था, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ। और उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से मुख्यालय पे, कांग्रेस मुख्यालय पर भी नहीं जाने दिया, अगर आप वहां तक जा सकते हो तो मैं कौन हूँ? अनुराग जी आप विषय अध्यक्ष जी मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, अध्यक्ष जी ध्यान में रखो। और आपका भी समय कम है, ये भी ध्यान में रखो, आपका एक वक्ता और बोलना है, नहीं तो उनका हक आप मार दोगे। तो प्लीज ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी, ये लोग जो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं, ये सूर्य को उसके प्रकाश और तप का प्रमाण देने की बात करते हैं और उनको देने की जरूरत नहीं है। उनका राजनीतिक जीवन ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि क्या क्या हुआ है। और अध्यक्ष जी ये जो मैं दो लाइनों में कह दूं आपके लिए कि सपनों में देखी बात बोलने के आदि हो गए, झूठे फरेब के पैमाने पर सबसे बड़े फसादी हो गए। इसलिए ये जो सपनों में आपको ख्याल आते 526 करोड़, 540 करोड़, 520 करोड़, 700 करोड़, ये किसी एक आंकड़े पर रुक जाइए। आप कंफ्यूज बहुत नजर आते हैं और देश को कंफ्यूज मत कीजिए। इसलिए अध्यक्ष जी ये अलग अलग कीमतें देने की बात हो और यहां तक कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में जो सदन में बात कही गई थी उसका भी जवाब उन्होंने 2 घंटे के अंदर दिया और मेरा प्रिविलेज नोटिस आज भी पेंडिंग है। मैं आपको चाहता हूं कि उस पर भी करें। मैं ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राफेल के मुद्दे पर जो बात करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो 10 वर्ष तक कोई कदम नहीं उठा पाए वो हमारी सरकार ने उठाया। अगर आपने वो कदम उठाए होते शायद हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप डिफेंस डील में डील ढूंढते रहे इसलिए आपको कुछ नहीं मिल पाया। जहां तक अध्यक्ष जी आज अगस्ता वेस्टलैंड वाले की बात भी, खड़गे जी कहते थे कुछ नहीं अगस्ता वेस्टलैंड में, कंक्लूड, लेकिन साथ में बैठी नेता बार बार हाथ खड़ा करके कह रही थी अध्यक्ष जी अगर कुछ नहीं है तो आप आके बैठी हो रही। क्रिश्चियन मिशेल जाते जाते पर्ची अपने जाते आते पर्ची अपने एडवोकेट को क्यों देता है, लॉयर को क्यों देता है और कहता है मिसिस जी पर कोई सवाल हो तो उसका उत्तर कैसे दूं? अगर ये कहता है, अगर वो ये कहते द इटालियन लेडी की बात करते, मिसिस गांधी की बात करते, इटालियन लेडी सन की बात करते तो कौन है वो? प्लीज आखिरकार डिफेंस डील में उनके नाम ही क्यों आते हैं? इनको लगता है कि इनके समय दलालियां खाई जाती थी तो आपके समय होती होंगी, हमारे समय ऐसा कोई काम नहीं होता है। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अध्यक्ष जी, लास्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बड़े विस्तार में कहा है और मैं पढ़ के कह देता हूं, नो ओकेजन टू रियली डाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑफसेट पार्टनर्स। और इसके साथ साथ ये भी कहा, आवर कंट्री कैनॉट अफोर्ड टू बी अनप्रिपेयर्ड एंड अंडर प्रिपेयर्ड। इनका बस चलता तो देश की सेना के पास ना, देखिए एक मिनट मैं खत्म कर, इनका बस चलता तो देश की सेना के पास ना कभी जहाज होता ना कभी लड़ पाते। लेकिन अध्यक्ष जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है, इतना ही कहना चाहता हूँ, वो कौन सी ताकतें थी अध्यक्ष जी जिन्होंने 2012 में इस डील को रोक कर रखा और जहाज नहीं खरीदने दिए, और 2013 में एंटनी जेरे ने कहा था कि जो अगस्ता वेस्टलैंड में भी जो दलालियां खाई गई उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। 2012-13 के समय क्या चल रहा था इनकी पार्टी में वो देश और सरकार जानती है। अंत में मैं अपनी दो लाइनें कहकर बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन्ही तैसी, किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। ये देखने की बात है मैडम,
आज सेना खुश है, सरकार खुश है, देश की जनता खुश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। मिर्च इसलिए लगी है कि देश की सेना मजबूत क्यों हुई, हमने देश के हित में निर्णय लिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में दो लाइनें कहकर अपनी बात कहूंगा। जिसके हाथों देश लुटा वो परिवार हमें नागवारा है, जो मातृभूमि का अपमान करे वो युवराज नकारा है, वो युवराज नकारा है।